बिहार में सभी 243 विधानसभा सीटों के नतीजे अब घोषित हो गए हैं, तो वहीं प्रदेश में सत्ताधारी एनडीए ने 125 सीटें जीत ली हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जदयू ने इस बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और एनडीए के इस जीत को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को मैन ऑफ द मैच बताया है। आपको बता दें कि अश्विनी चौबे ने कहा है कि नीतीश कुमार के पास बड़ा अनुभव है, पार्टी ने तय किया है कि चाहे जो भी हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, नीतीश कुमार मैन ऑफ द मैच है। आईपीएल जैसे मैच में बहुत अच्छे और कुशल बैट्समैन के तौर पर नीतीश जी सामने आए हैं, वे किसी भी पिच पर बैट्समैन की भूमिका निभा सकते हैं। बता दें कि एनडीए में शामिल बीजेपी ने इस चुनाव में जदयू से ज्यादा सीटें जीती हैं, तो वहीं बीजेपी ने 74 सीटों पर जबकि जदयू ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो वहीं एनडीए में शामिल बाकी दलों में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने 4 सीटों पर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हमने भी 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो वहीं बता दें आपको कि विपक्षी महागठबंधन में शामिल आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वो इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने 19 सीटों पर, भाकपा माले ने 12 सीटों पर, तो वहीं भाकपा और माकपा ने 2-2 सीटों पर जीत दर्ज की है। और इस बार एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने वाली चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी मात्र 1 सीट ही जीत पाई है। नेशन न्यूज़ की रिपोर्ट।